इमरान खान का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने का फैसला। 26 नवंबर को रावलपिंडी में जलसे के साथ साथ धरना भी दिया जाएगा। पीटीआई की मशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक इमरान खान 26 नवंबर को अपने खिताब में हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, जिसमें फौरी तौर पर कबल अज़ वक्त शफाफ इंतखाबात का ऐलान भी शामिल है। हुकूमत अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान करती है तो तहरीक इंसाफ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कानून साजी में तआवुन की पेशकश करेगी। जराए का कहना है कि इमरान खान पर कातलाना हमले की गैर जानबदाराना तहकीकाती कमीशन और FIR का इंदराज भी चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। जराए के मुताबिक इमरान खान हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए मुख्तसर वक्त देंगे, जो 2 से 3 दिन तक हो सकता है, और अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो धरना तवालत इख्तियार करेगा। मशावरती इजलास में पार्टी रहनुमाओं को रावलपिंडी में 1 हफ्ते तक क्याम के बंदोबस्त की हिदायत की गई है। रावलपिंडी अल्लामा इकबाल पार्क में इब्तदाई तौर पर तकरीबन 30,000 अफराद के लिए खेमा बस्ती कायम की जाएगी। रावलपिंडी पहुंचने के बाद इमरान खान हुकूमत को मजीद सरप्राइज भी देंगे। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया, पहले उसको था, अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहे। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की। इस हारे आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।